हेलो एवरीवन, वी स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1। सुनील एंड राहुल आर पार्टनर इन अ फर्म। सो यू हैव टू पार्टनर्स, सुनील एंड राहुल। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे आएगा, सुनील एंड राहुल। सो यू हैव टू पार्टनर्स, सुनील एंड राहुल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1, सो दे आर इक्वल पार्टनर्स। बैलेंस शीट डेट इज 31st March एंड देयर बैलेंस शीट वॉज एज एंड ऑफ। सी लाइबिलिटीज में यू हैव क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड एंड कैपिटल बैलेंस। असेट्स में यू हैव स्टॉक, प्लांट, लीज, फर्नीचर, डेटर्स एंड कैश एट बैंक। Your money is in bank and you have some adjustments. See, step number one is balance sheet transfer. And I had given you 7 points to remember. Number one, capital balance, capital account credit. Number two, reserves, capital account credit. Number three, partner's loan credit. Number four, remaining liabilities, sundry liabilities, realization credit. Number five, your bank balance, bank account debit. Number six, any expenses, losses, capital account debit. And number seven, your remaining assets, sundry assets, realization account debit. So you have to strictly remember 7 points for step number one, transfer all balance sheet items. Step number two, do adjustments. Step number three, C&C. Check the liability, close the statement. Step number four, pay partner loan. And last step, number five, close. First step. जब आप बैलेंस शीट ट्रांसफर करोगे ना, ये लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करोगे एंड असेट्स विल बी ऑलवेज ऑन डेबिट साइड. Liabilities are always credit, assets are always debit. यहाँ पे liability में देखो, point number one is capital balance, point number two is reserve, point number three partners loan नहीं है, point number four ये आपका sundry liabilities. पॉइंट नंबर फाइव ये आपका बैंक बैलेंस. पॉइंट नंबर सिक्स एक्सपेंसेस लॉसेस नहीं है. एंड पॉइंट नंबर सेवन ये आपका सन्ड्री असेट्स. सो बैलेंस शीट ट्रांसफर के 7 पॉइंट, कैपिटल बैलेंस, रिजर्व, पार्टनर्स लोन जो यहाँ पे नहीं है, अदर लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज, फिर बैंक बैलेंस, एक्सपेंसेस लॉसेस नहीं है, अदर असेट्स, सन्ड्री असेट्स. तो स्टार्ट करते स्टेप वन से. कैपिटल बैलेंस सुनील का और राहुल का, कैपिटल बैलेंस कैपिटल के क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. By
बैलेंस ब्रॉट डाउन. आपका कैपिटल अमाउंट चेक कर लेते हैं स्क्रीन पे. इट इज 40,000 and 30,000. दिस गिव्स यू फर्स्ट पार्टनर का अमाउंट 40,000 एंड सेकेंड पार्टनर का 30,000. सो कैपिटल बैलेंस, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड. सेकेंड, ये जो रिजर्व फंड दिख रहा है आपको, रिजर्व फंड 5,000, ये भी कैपिटल के क्रेडिट में आएगा और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा दो पार्टनर में. रेशियो देखो इधर 1:1 है. 1:1 मतलब इक्वल. स्क्रीन पे देखना प्लीज. 5,000 जो अमाउंट है इक्वल बोला है, दो पार्टनर इक्वल मतलब डिवाइड बाय टू. तो 5,000 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2s are 4, 1 carry, 2 5s are 10 और फिर 2 0. मतलब 5,000 को जब आप डिवाइड बाय 2 करोगे, 5,000 को जब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यू विल गेट 2,500. तो कैपिटल के क्रेडिट में बाय रिजर्व फंड 2,500. तो पॉइंट नंबर 1 कैपिटल बैलेंस, कैपिटल क्रेडिट. पॉइंट नंबर 2 रिजर्व, कैपिटल क्रेडिट. पॉइंट नंबर 3 पार्टनर्स लोन नहीं है, पार्टनर्स लोन नहीं है. पॉइंट नंबर 4 देखो वो क्रेडिटर्स है. अदर लायबिलिटीज, सन्ड्री लायबिलिटीज, रियलाइजेशन के क्रेडिट में इधर एक हेडिंग लिखना पड़ता है पहले, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज. फिर यहां पे हम लिखेंगे कौन सा लायबिलिटीज है. तो इट इज क्रेडिटर्स, अमाउंट एक बार कंफर्म कर लेते हैं. इट इज 22,900. सो दिस वॉज योर 4 पॉइंट्स ऑफ लाइबिलिटी साइड. कैपिटल बैलेंस, कैपिटल क्रेडिट, रिजर्व फंड, कैपिटल क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूट किया, इक्वल रेशियो बोला है, पार्टनर्स लोन नहीं है, अदर लायबिलिटी, सन्ड्री लायबिलिटीज, रियलाइजेशन क्रेडिट. असेट साइड डेबिट में, असेट साइड डेबिट में पॉइंट नंबर 5 बैंक का बैलेंस 5,000 rupees बैंक बैलेंस. तो बैंक अकाउंट में आएंगे डेबिट साइड पे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 5,000 का बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. फिर एक्सपेंसेस लॉसेस इज नॉट गिवन. अब ये जो अदर असेट्स है, दिस अदर असेट्स आर नोन एज सन्ड्री असेट्स. ये जो आपके अदर असेट्स है दे आर नोन एज सन्ड्री असेट्स. ये सब के सब दे विल बी ट्रांसफर to realization account debit side. All our stock, plant, lease, furniture, sundry debtors. So realization account ke debit side pe aa jayenge. Realization account debit side. Dekho ye realization account hai. Debit side pe aa gaya. Yahan pe heading likh diya. टू सन्ड्री असेट्स एक एक करके. स्टॉक अमाउंट 24,300. फिर प्लांट 24,000.
लीज 10,000, फर्नीचर 5,000, एंड डेटर्स $29,600. तो ये हो गया आपका स्टेप वन. ये पूरा का पूरा बैलेंस शीट हमने ट्रांसफर कर दिया है. पॉइंट नंबर वन कैपिटल बैलेंस, कैपिटल क्रेडिट. पॉइंट नंबर टू रिजर्व, कैपिटल क्रेडिट. पॉइंट नंबर थ्री पार्टनर्स लोन नहीं है. पॉइंट नंबर फोर अदर लायबिलिटी, क्रेडिटर्स. सन्डी लायबिलिटीज के हेड में रियलाइजेशन क्रेडिट. पॉइंट नंबर फाइव बैंक बैलेंस, बैंक के डेबिट में. पॉइंट नंबर सिक्स एक्सपेंसेस लॉसेस नहीं है. एंड पॉइंट नंबर सेवन ऑल रिमेनिंग असेट्स, सन्ड्री असेट्स, रियलाइजेशन डेबिट. पॉइंट नंबर सेवन कंप्लीट करने के बाद नाउ वी विल गो फॉर स्टेप नंबर टू, डू एडजस्टमेंट्स. नाउ व्हाट आर एडजस्टमेंट्स? इट्स वेरी सिंपल. देखो लीज वॉज सोल्ड, लीज आपका असेट है. देखो स्क्रीन पे लीज इज माई असेट, उसको सोल्ड किया है. फर्नीचर मेरा असेट है, स्टॉक भी मेरा असेट है. तो लीज, फर्नीचर, स्टॉक, ये तीनों आपके असेट है. द डेटर्स रियलाइज बोला, डेटर्स इज ऑल्सो माई असेट. प्लांट रियलाइज बोला, प्लांट इज ऑल्सो माई असेट. तो लीज, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, प्लांट. क्रेडिटर्स वर पेड, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी. और एक्सपेंसेस दिया है, दैट्स ऑल. तो एडजस्टमेंट्स क्या करने होते हैं? एडजस्टमेंट्स जो भी असेट्स है वो हम वर्किंग नोट में, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ असेट्स में लिखेंगे, और जो भी लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस है वो स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस. आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो. प्लीज आपके पास दो वर्किंग नोट है. ऑल असेट्स विल बी रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड ऑल लायबिलिटीज विल बी रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस. अच्छा कॉलम में देखो, अगर असेट रियलाइज करते हो, सेल करते हो, रियलाइज सेल, तो वो कैश कॉलम में. बट अगर असेट पार्टनर लेके गया, सुनील लेके गया, तो सुनील के कॉलम में. राहुल लेके गया तो राहुल के कॉलम. सेम विद लायबिलिटीज, आपने कैश में पे किया तो कैश कॉलम. सुनील बोला वो पे करेगा तो सुनील के कॉलम में. राहुल डिसाइड कर रहा है वो पे करेगा तो राहुल के कॉलम. तो वर्किंग नोट में करना है आपको स्टेप नंबर टू. वर्किंग नोट में करना है स्टेप नंबर टू. ऑल असेट्स, स्टेटमेंट ऑफ असेट. ऑल लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस, स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज. चेक करते हैं. लीज देखो आपका असेट है. सोल्ड बोला मतलब कैश. फर्नीचर भी आपका असेट है, कुछ बोला नहीं तो ऑलवेज सोल्ड होता है कैश. पार्टनर टेक ओवर करेगा तो क्लियरली लिखा होगा, इट विल बी मेंशन टेकन बाय सुनील, टेकन बाय राहुल. सो लीज तो सोल्ड है कैश. फर्नीचर कुछ बोला नहीं तो वो भी सोल्ड कैश. स्टॉक कुछ बोला नहीं तो वो भी सोल्ड कैश. तो लीज, फर्नीचर, स्टॉक, लीज, फर्नीचर, स्टॉक, स्टेटमेंट ऑफ असेट में. ये आपके देखो तीन असेट, लीज, फर्नीचर, स्टॉक. अच्छा अमाउंट जो एडजस्टमेंट में लिखा है, वो एडजस्टमेंट में जो अमाउंट दिया है, लीज का 10,720 है. लीज का 10,720, फर्नीचर का 6,000 है और स्टॉक का 15,300 है. तो स्टेटमेंट में चले गए.
lease ka it is 10,000 720, furniture ka it is 6,000 और स्टॉक का इट इज 15,300. तो लीज, फर्नीचर, स्टॉक ये आपके असेट्स, स्टेटमेंट ऑफ असेट और कैश में. फिर नेक्स्ट आपके पास लिखा है देखो, डेटर्स रियलाइज, अगेन रियलाइज कैश 24,500. Plant realized 24,200. So debtors and plant, again it is your asset. So statement of asset mein debtors or plant. So debtors and plant, uska realized amount. Debtors it is 24,500. तो डेटर्स का अमाउंट इज 24,500. और प्लांट का इट इज 24,200. तो ये जो भी आपके असेट्स थे आप स्टेटमेंट ऑफ असेट्स में लेके गए और कैश कॉलम में लिखा है. लीज स्क्रीन पे देख सकते हो, लीज 10,720 कैश, फर्नीचर 6,000 कैश, स्टॉक 15,300 कैश, डेटर्स 24,500 कैश एंड प्लांट 24,200 कैश. जब तक क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में मेंशन नहीं किया है कि असेट्स आर टेकन बाय पार्टनर, तब तक याद रखना है कि ऑल असेट्स आर रियलाइजिंग कैश. आगे का एडजस्टमेंट चेक करेंगे. क्रेडिटर्स वर पेड 22,000 इन फुल सेटलमेंट, तो क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी में देखो क्रेडिटर्स और पेड यानी कि कैश 22,000 बोला है. एंड फाइनली एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 1,000, ऑल एक्सपेंसेस स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज में ही आएगा. सो एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन इज रियलाइजेशन एक्सपेंस और उसका अमाउंट जो है वो कैश कॉलम में लिखेंगे, बिकॉज जब तक कुछ बोला नहीं एवरीथिंग इज पेड इन कैश. तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर टू, डू एडजस्टमेंट. देखो ध्यान से सुनो, मैंने सारे स्टेप्स मेंशन किए, सारे स्टेप्स एक्सप्लेन किए हैं, उसको यूज कैसे करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है. सबसे पहला काम हमने क्या किया, ये क्वेश्चन में स्क्रीन पे जो आपको बैलेंस शीट दिख रहा है वो पूरा का पूरा बैलेंस शीट हमने ट्रांसफर किया. मैंने आपको 7 पॉइंट लिख के दिया, 7 पॉइंट, वो पॉइंट देखो आपके एक स्क्रीन पे है. कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल क्रेडिट, रिजर्व, कैपिटल क्रेडिट, पार्टनर्स लोन नहीं है, अदर लायबिलिटी, सन्ड्री लायबिलिटीज, रियलाइजेशन क्रेडिट, बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट के डेबिट में, एक्सपेंस लॉस नहीं है, अदर असेट को सन्ड्री असेट्स बोलते हैं, रियलाइजेशन डेबिट. स्टेप नंबर टू, डू एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में जो भी असेट है, असेट वो स्टेटमेंट ऑफ असेट में जो भी असेट्स है और कैश कॉलम जो भी असेट है, देखो ये एडजस्टमेंट में जो भी असेट्स थे वो सब स्टेटमेंट ऑफ असेट्स में लिखा है, कैश कॉलम. लीज, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, प्लांट, सब स्टेटमेंट ऑफ असेट. ये जो लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स और रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये जो भी लाइबिलिटीज है वो सब स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज में देखो ये स्क्रीन पे, क्रेडिटर्स और रियलाइजेशन एक्सपेंस एंड कैश. तो दिस इज डू एडजस्टमेंट, कुछ नहीं करना था.
ऑल असेट, स्टेटमेंट ऑफ असेट, कुछ बोला टेकन बाय पार्टनर, तो पार्टनर कॉलम, अदरवाइज अदरवाइज एवरीथिंग विल बी इन कैश, ऑल लाइबिलिटीज, ऑल एक्सपेंसेस, स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज में पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर कॉलम, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी इन कैश कॉलम. सीधी भाषा में बोल रहा हूं, एडजस्टमेंट में जो भी असेट है वो स्टेटमेंट ऑफ असेट में, जो भी लाइबिलिटीज है वो स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज में, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर कॉलम में, पार्टनर टेक ओवर नहीं कर रहा है तो ऑलवेज कैश कॉलम. स्टेप नंबर थ्री इज सी एंड सी. पहला सी, चेक द लाइबिलिटीज. अभी व्हाट इज चेक द लाइबिलिटीज? देखो ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में, यू कैन सी रियलाइजेशन के क्रेडिट में. देखो ये सन्ड्री लाइबिलिटीज दिख रहा है आपको, क्रेडिटर्स. ये ऐसे सर्कल नहीं करने का आपको, ये आपके रेफरेंस के लिए कर रहा हूँ, प्लीज एग्जाम में नहीं करना है आपको, ये मैं कर रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हो. तो क्रेडिटर्स जो दिख रहा है ये सन्ड्री लाइबिलिटीज में, क्रेडिटर्स. नाउ पहला सी जो है चेक द लाइबिलिटी, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे सन्ड्री लाइबिलिटीज में, यहाँ पे सन्ड्री लाइबिलिटीज में जो भी लाइबिलिटीज है वो स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी में है के नहीं, बस उसको बोलते हैं चेक द लाइबिलिटीज. तो यहाँ पे देखो सन्ड्री लाइबिलिटीज में कौन है, क्रेडिटर, क्रेडिटर्स, 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 क्रेडिटर्स. वी हैव टू चेक. स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी में देखो क्रेडिटर है, बस इसको बोलते हैं चेक द लाइबिलिटी. चेक द लाइबिलिटी का मतलब होता है, चेक द लाइबिलिटी का मतलब होता है रियलाइजेशन के क्रेडिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में सन्ड्री लाइबिलिटी के हेड में जो ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर है, हमको चेक करना है कि ये क्रेडिटर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी में है के नहीं. तो देखो क्रेडिटर है. तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर थ्री का पहला सी, चेक द लायबिलिटी. दूसरा सी, क्लोज द स्टेटमेंट. आपको ये स्टेटमेंट का टोटल करना है, यू हैव टू टेक टोटल ऑफ दिस स्टेटमेंट. 10,720 देखो फर्स्ट अमाउंट है, 10,720 प्लस 6,000 आपका सेकेंड अमाउंट है, प्लस 15,300 प्लस 24,500 और प्लस 24,200. तो ये टोटल कम्स टू, दिस टोटल कम्स टू 80,720. यहाँ पे पार्टनर्स में देखो कोई अमाउंट नहीं है. तो ये कैश का टोटल, क्लोज द स्टेटमेंट, क्लोज द स्टेटमेंट, ये हमने टोटल किया, इट कम्स टू 80,720. तो आई रिपीट, हाँ, इट वॉज 10,720 प्लस 6,000 प्लस 15,300 प्लस 24,500 प्लस 24,200. So it comes to 80,720. फिर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी का टोटल करेंगे, 22 + 1 ये टोटल आ रहा है 23,000. इधर अगेन कोई अमाउंट नहीं है. अभी ये जो स्टेटमेंट आपने क्लोज किया है ना, अब इसका करना क्या है? मैंने जब आपको थियोरी एक्सप्लेन किया था ना, तब मैंने आपको चार एंट्री सिखाई थी. मैं एक फ्रेश पेज पे आ जाता हूं. मैंने आपको सिखाई थी सेल ऑफ असेट की एक एंट्री, फिर असेट टेकन बाय पार्टनर की एक एंट्री, फिर लायबिलिटीज पेड की एंट्री और लाइबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर की. ये चार चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है.
यू शुड रिवाइज इट। ये चार एंट्री के लिए मैंने आपको शॉर्टकट दिया है, सेल ऑफ असेट के लिए CR, असेट टेकन बाय पार्टनर के लिए PR, लाइबिलिटी पेड के लिए RC और लाइबिलिटी टेकन के लिए RP, CR PR RC RP, CR PR RC RP, ये आपको कीवर्ड्स यूज करना है, यू हैव टू यूज दिस कीवर्ड्स। अब ये कैसे यूज करना है, इट्स वेरी सिंपल। देखो ये स्टेटमेंट ऑफ असेट में ये जो कैश दिख रहा है, कैश 80,720, इसको सेल ऑफ असेट बोलते हैं। तो CR, ये पार्टनर्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स है, सो दिस इज PR। ये जो लायबिलिटी का स्टेटमेंट है, ये कैश वाला, ये लायबिलिटीज पे किया है आपने, सो दिस इज RC और ये टेकन बाय पार्टनर है RP। तो ये जब आप स्टेटमेंट क्लोज करते हो ना, क्लोज करके जो फाइनल अमाउंट मिलता है उसका रूल आपको याद रखना है। स्टेटमेंट ऑफ असेट में कैश को बोलते हैं CR, पार्टनर लेके गया तो PR, स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज में कैश को बोलते हैं RC और पार्टनर लेके गया तो RP। अब ये CR को यूज कैसे करने का, देखो यहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना। व्हाट इज CR? 80,720 जो है ये, देखो ये CR का मतलब क्या होता है, C मतलब कैश डेबिट, R मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट, C मतलब कैश डेबिट, R मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट। अब इसको पोस्ट कैसे करने का, प्लीज प्लीज ध्यान देना बेटा। यहां पे आप अमाउंट देखो CR का 80,720, C मतलब कैश डेबिट, यहाँ पे कैश का मतलब होता है बैंक, तो C मतलब कैश डेबिट, तो देखो ये बैंक के डेबिट में 80,720, ये हमेशा 2 होता है, 2, तो कैश डेबिट 80,720, कैश डेबिट 80,720, सी फॉर कैश डेबिट 80,720, आर फॉर रियलाइजेशन क्रेडिट, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में यहाँ पे 80,720 and this is always buy. So क्या किया बेटा हमने, what we did, हमने जैसे statement का total किया, ये जो cash का जो amount आया 80,720, इसको sale of asset बोलते हैं। इसका मैंने आपको entry explain किया था, asset बेचेंगे तो पैसा आएगा, cash account debit, asset जाएगा, asset credit, यहाँ पे asset को realization बोलते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसके लिए एक शॉर्टकट दिया है CR, C for cash debit, तो देखो बैंक के डेबिट में 80,720, R for realization credit, तो देखो रियलाइजेशन के क्रेडिट में 80,720, एक में 2 है और एक में बाई है। अब लिखना क्या है, ऑपोजिट नेम लिखते, देखो इधर सी के ऑपोजिट में रियलाइजेशन, तो जब कैश में जाओगे तो रियलाइजेशन का नाम लिखोगे, कैश में जाओगे रियलाइजेशन, सी के सामने रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के सामने कैश, CR, कैश के सामने रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के सामने कैश, यानी कि जब आप कैश अकाउंट में जाओगे तो ऑपोजिट नेम लिखोगे रियलाइजेशन, और जब आप रियलाइजेशन अकाउंट में जाओगे
तो ऑपोजिट नेम लिखोगे कैश, यहाँ पे कैश को वो लोग बैंक बोल रहे हैं, तो बोलने के टाइम पे कैश चलेगा पर लिखने के लिए बैंक। तो ये हो गया आपका सीआर का पोस्टिंग, एक बार ध्यान दे देना। हमने ये कैश का टोटल किया 10,720 प्लस 6,000 प्लस 15,300 प्लस 24,500 प्लस 24,200 एंड वी गॉट 80,720। हाउ टू बी इफेक्ट, उसके लिए एक शॉर्टकट दिया है सी आर। सी मतलब कैश के डेबिट साइड पे जाने का। तो देखो बैंक के डेबिट में देखो 80,720, और आर मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे जाने का। तो देखो रियलाइजेशन के क्रेडिट में 80,720। तो पहले बैंक के डेबिट में 80,720, रियलाइजेशन के क्रेडिट में 80,720, बैंक के डेबिट में 80,720, रियलाइजेशन के क्रेडिट में 80,720। लिखने का क्या ऑपोजिट नेम, जब आप बैंक में हो तो ऑपोजिट नेम इज रियलाइजेशन, तो देखो टू रियलाइजेशन, और जब आप रियलाइजेशन में हो तो ऑपोजिट नेम इज बैंक, तो देखो बाय बैंक। तो सी आर ये बोलता है कि कैश के सामने रियलाइजेशन का नाम और रियलाइजेशन के सामने कैश, मैंने बोला इसे कैश मतलब बैंक। प्यार तो देखो पार्टनर्स में नहीं है, मतलब कोई अमाउंट नहीं है, मैं वो बोल रहा हूं, तो पी आर का इफेक्ट नहीं आएगा, कोई अमाउंट ही नहीं है, नो अमाउंट। फिर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी में आ जाएंगे, देखो ये आरसी 23,000, आरसी ये रियलाइजेशन डेबिट कैश क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट कैश क्रेडिट 23,000, रियलाइजेशन डेबिट कैश क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट 23,000। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइट पे 23,000, रियलाइजेशन डेबिट, दिस इज ऑलवेज टू, रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट, और कैश के क्रेडिट में यानी कि बैंक अकाउंट के क्रेडिट में 23,000। तो यहाँ पे देखो बैंक के क्रेडिट में 23,000। तो हमने इफेक्ट दिया सी आर के बाद आर सी का, आर सी आर फॉर रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट 23,000, रियलाइजेशन डेबिट 23,000। तो देखो रियलाइजेशन के डेबिट में, रियलाइजेशन के डेबिट में 23,000, ये आर हो गया। फिर आपके पास दूसरा था आर सी, सी सी कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट। तो देखो ये बैंक के क्रेडिट में 23,000, यहाँ पे ये बाय आएगा। अब लिखना क्या है, ऑपोजिट नेम, ऑपोजिट नेम लिखना है। व्हाट इज ऑपोजिट नेम, ध्यान दो, रियलाइजेशन के सामने कैश, तो रियलाइजेशन अकाउंट में कैश, रियलाइजेशन में कैश, रियलाइजेशन में कैश, रियलाइजेशन अकाउंट में कैश, रियलाइजेशन अकाउंट में कैश। और कैश में जब जाएंगे, कैश में तब हम रियलाइजेशन लिखेंगे। तो यहां पे फिलहाल आर सी रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में द डेबिट में कैश, कैश यानी कि लिखने के लिए बैंक। तो रियलाइजेशन के डेबिट में कैश का नाम, रियलाइजेशन के डेबिट में कैश का नाम, रियलाइजेशन के डेबिट में कैश का नाम, और कैश के क्रेडिट में रियलाइजेशन का नाम, कैश के क्रेडिट में रियलाइजेशन का नाम, उधर बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हो गया आपका आरसी का इफेक्ट। आरपी देखो अगेन देर इज नो अमाउंट, तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो पहला स्टेप बैलेंस शीट ट्रांसफर किया, दूसरा स्टेप डू एडजस्टमेंट्स किए, तीसरा सी एंड सी चेक द लायबिलिटीज, लायबिलिटीज चेक किया, क्लोज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का टोटल किया, जो आंसर आया सी आर पी आर
RCRP. स्टेप फोर पे पार्टनर्स लोन, बट पार्टनर्स लोन नहीं है. स्टेप फोर पे पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन नहीं है. स्टेप फोर पे पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन नहीं है. लास्ट स्टेप क्लोज. पहले पार्टनर्स लोन क्लोज करते हैं, बट पार्टनर्स लोन तो नहीं है. फर्स्ट वी क्लोज पार्टनर्स लोन, बट पार्टनर्स लोन नहीं है. नेक्स्ट वी क्लोज रियलाइजेशन. डेबिट साइड का टोटल देखो 24,300 प्लस 24,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 29,600 प्लस 23,000. तो डेबिट साइड अगर आप देखोगे तो 1,15,900 आएगा. मैं आपके रेफरेंस के लिए यहां पे लिख रहा हूं, इट इज 1,15,900. और क्रेडिट साइड अगर आप देखोगे तो इट इज 22,900 प्लस 80,720. 22,900 प्लस 80,720, तो इट इज 1,03,620. तो डेबिट साइड 1,15,900 और क्रेडिट साइड 1,03,620 माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे 12,280. जीरो में से जीरो गया, जीरो में से टू नहीं जाएगा, तो यहां से कैरी करेंगे हम. तो 10 में से टू गया, 8 ये 8 बचा, 8 में से 6 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0. ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट का पोजीशन है. डेबिट साइड का टोटल 1,15,900, क्रेडिट साइड इज 1,03,620 एंड डिफरेंस इज 12,280. तो दिस इज द पोजीशन. इसको रिकॉर्ड कैसे करने का, आपका जो बड़ा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट दोनों साइड आएगा. बड़ा अमाउंट मतलब ये आपका 1,15,000, 1,15,900, ये बड़ा अमाउंट दोनों साइड, बड़ा अमाउंट दोनों साइड, बड़ा अमाउंट दोनों साइड. डेबिट साइड अगर बड़ा है, डेबिट साइड, तो डिफरेंस विल बी ऑन क्रेडिट साइड 12,280 का डिफरेंस. डेबिट साइड अगर बड़ा है तो डिफरेंस विल बी ऑन क्रेडिट साइड. सो 1,15,900 बड़ा अमाउंट, बड़ा अमाउंट, बड़ा अमाउंट दोनों साइड, दोनों साइड, दोनों साइड. डेबिट में भी 1,15,900, क्रेडिट में भी 1,15,900. फिर डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है, तो डिफरेंस ऑन क्रेडिट साइड, इसको लॉस बोलते हैं, लॉस. तो हाउ टू राइट दिस, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो रिपीट, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये लॉस हम दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके रेशियो में. तो पार्टनर्स जो है, इट इज सुनील एंड राहुल, और रेशियो इक्वल है. सुनील एंड राहुल 12,280 को इक्वली डिवाइड बाय 2 करेंगे. यहां पे ही दिखा देता हूं, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8 और 0. तो 6,140 सुनील का लॉस और 6,140 राहुल का.
सो दिस इज हाउ टू क्लोज रियलाइजेशन. देखो एक चीज याद रखो, क्लोजिंग देखने से नहीं होता है कभी, ये इट इज नॉट आईज क्लोजिंग. आपको अकाउंट क्लोज करना है ना, सबसे पहला काम मजदूरी करने का. व्हाट इज मजदूरी करने का? टेक डेबिट साइड का टोटल, मैंने किया 115,900 मिला. टेक क्रेडिट साइड का टोटल, मैंने किया 103,620 मिला. फिर बड़े अमाउंट में छोटा अमाउंट माइनस किया, मुझे डिफरेंस मिला 12,280. इसको रिकॉर्ड कैसे किया? जो बड़ा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट, वो दोनों साइड लिखने का. डेबिट में भी लिखने का 115,900, क्रेडिट में भी लिखने का 115,900. नाउ बैलेंस, अगर डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है, तो बैलेंस विल बी ऑन क्रेडिट साइड 12,280. इसको लॉस बोलते हैं. तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, और दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. रेशियो इक्वल बोला है सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब ये चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऑपोजिट साइड पे. यहाँ पे क्रेडिट साइड पे है, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड पे है, तो ऑपोजिट विल बी रियलाइजेशन क्रेडिट, तो ऑपोजिट विल बी रियलाइजेशन क्रेडिट, तो ऑपोजिट विल बी रियलाइजेशन क्रेडिट, तो ऑपोजिट विल बी रियलाइजेशन. अगर क्रेडिट है तो ऑपोजिट विल बी कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. और जो आपने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया है 6,140, चेक कर लो, यस 6,140 फॉर सुनील एंड 6,140 फॉर राहुल. सो पहले पार्टनर्स लोन क्लोज करने का जो यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट रियलाइजेशन क्लोज करने का, उसका डिफरेंस कैपिटल में जाएगा. नाउ वी विल टेक टोटल ऑफ कैपिटल, एंड कैपिटल का डिफरेंस जाएगा बैंक में. अब अगर आप ये देखोगे सुनील में, तो 40,000 एंड 2,500, तो इट इज 42,500. अगेन डेबिट साइड का अमाउंट छोटा है, तो ये बड़ा अमाउंट दोनों साइड लिख दिया 42,500. फिर बड़े में से छोटा अमाउंट माइनस करेंगे, 42,500 क्रेडिट साइड का जो टोटल है 42,500 माइनस डेबिट का 6,140. तो यू विल गेट डिफरेंस, यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा, इट इज 36,360. अगर आप डिफरेंस फाइंड करोगे तो इट इज 36,360, ये बैलेंसिंग फिगर. सो बड़ा अमाउंट दोनों साइड लिख दिया, बड़ा अमाउंट 42,500 बोथ द साइड, बड़ा अमाउंट 42,500 बोथ द साइड. फिर डेबिट माइनस करके बैलेंस. ये सेकंड पार्टनर देखो इधर 32,500 टोटल है, तो 32,500 टोटल. अगेन इसमें बैलेंस फाइंड करेंगे, आप माइनस करोगे 6,140. तो 32,500 में 32,500 माइनस 6,140, तो बैलेंस आएगा यहाँ पे 26,360. ये आपका बैलेंस आ गया. यहाँ पे लिखेंगे ये जाएगा आपका बैंक में, इसको अकाउंट सेटल्ड बोलते हैं. तो टू बैंक अकाउंट, दिस इज नोन एज अकाउंट सेटल्ड. सो बैंक अकाउंट में जाएगा, ये बैंक अकाउंट में जाएगा ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट साइड यहाँ पे डेबिट है, तो बैंक में क्रेडिट बाय सुनील कैपिटल अकाउंट बाय राहुल कैपिटल अकाउंट. सो अमाउंट इज, सुनील का चेक कर लेते 36,360 और 26,360. तो 36,360 एंड फाइनली हम बैंक का टोटल करेंगे. विल टेक टोटल ऑफ बैंक. यहाँ पे आप अगर देखोगे
तो आपके पास क्रेडिट साइड पे देखो तीन अमाउंट है, 23,000, 36,360, 26,360। जब आप इसका टोटल करोगे, ये तीनों अमाउंट का जब आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 85,720। डेबिट का भी अगर आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 85,720। यह टैली होगा आपको, इधर डिफरेंस नहीं मिलेगा। बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। अगर बैंक टैली नहीं हो रहा है मतलब आपने कुछ मिस्टेक किया है। तो दिस इज योर डिसोल्यूशन। स्ट्रिक्टली हमको स्टेप्स फॉलो करना है, रेस्ट अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्लीज रिमेम्बर जब आप कोई भी क्वेश्चन डिसोल्यूशन का कर तो आपको स्ट्रिक्टली स्टेप्स फॉलो करना है। यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द स्टेप्स व्हेन एवर यू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑन डिसोल्यूशन। स्ट्रिक्टली फॉलो द स्टेप्स। चलो टेक केयर।